हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवधेश भट्ट फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ सुधौली बस्ती। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज वाटर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। सो यू ऑल गेट रेडी, लेट्स get started. Let us see what are topics we are going to cover today in this video. So let's see, देखिए बेटा, ये आपका चैप्टर है वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी। क्या होता है? पानी। और कुछ लोग इसको जल भी बोलते हैं, पानी और जल भी आप कह सकते हैं। आइए देखते हैं बेटा कि कौन कौन सी टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें। सो फर्स्ट है आपका बेटा टॉपिक द यूज ऑफ वाटर, द यूज ऑफ वाटर, पानी का उपयोग। अब इसमें ये देखेंगे बेटा कि पानी का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट आपका है सेकंड पॉइंट, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के भिन्न भिन्न स्रोत क्या हैं उसके बारे में जानेंगे कि पानी हमें कहाँ से मिलता है, इतना सारा जल कहाँ से आता है और कैसे मिलता है, इसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बेटा द वे बीज टू स्टोर वाटर। द बेस टू स्टोर वाटर, बेस टू स्टोर वाटर, किस किस किन किन तरीकों से हम पानी को स्टोर कर लेते हैं फर्दर यूज़ के लिए, बाद में हम पानी का उपयोग करने के लिए कैसे उसको स्टोर करते हैं, इसके बारे में भी सीखेंगे। पॉइंट फोर है बेटा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, स्वच्छ जल का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके बारे में सीखेंगे। सो आइए बेटा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेट्स सी। पॉइंट वन, द यूजेस ऑफ वाटर, द यूजेस ऑफ वाटर, पानी का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, वी नीड
वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। देखिए बेटा, सबसे पहले हम पानी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? पीने के लिए। अगर हम जल ना हो तो बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि सबसे पहले वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए सबसे पहले उपयोग किया जाता है, यानी इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट आपका है बेटा, वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड, we need water for cooking food। जल की आवश्यकता पड़ती है बेटा भोजन को पकाने के लिए। आप अपने घर में देखते होंगे, मम्मी जब भी भोजन पकाती हैं तो उसमें जल का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। बिना जल के आप भोजन नहीं पका सकते हैं। तो इस तरह से हम अभी देख पा रहे हैं कि जो जल होता है उसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। पीने नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि जल का जो उपयोग है वो बेटा कहाँ कर रहे हैं? फॉर कुकिंग फूड, भोजन को पकाने के लिए। अगर जल नहीं होगा तो हम अपना भोजन भी प्रॉपरली नहीं पका पाएंगे। वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग, वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग। आप देखते हैं बेटा, घरों की साफ सफाई के लिए भी हमें जल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जल का उपयोग हम घर साफ सफाई के लिए भी करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग आवर क्लॉथ्स। हमें अपने कपड़ों को साफ करने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए बेटा, जल क्या जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो जल को हमें कैसे रखना चाहिए? बचा के रखना चाहिए, आपको सेव करना चाहिए वाटर, क्योंकि बिना वाटर का वाटर की लाइफ पॉसिबल नहीं है। वी नीड वाटर टू पुट ऑफ फायर, वी नीड वाटर टू पुट ऑफ फायर। देखिए बेटा, कभी ऐसे केस में आप देखते हैं जब कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी हमें जल की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड वाटर टू पुट ऑफ फायर, आग बुझाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। सो अभी आपने देखा बेटा कि वाटर क्या होता है? पानी। पानी वाटर मीन्स होता है पानी। पानी जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत, पानी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है बेटा। सो अभी मैंने बताया कि द यूजेज ऑफ वाटर, पानी का उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने देखा, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग,
पानी हमें पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड, भोजन पकाने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं, बिना जल के हम भोजन नहीं पका सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका, वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग, साफ सफाई करने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। एज वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, जैसे हमें अपने कपड़ों को साफ करना हुआ तो कपड़ों को साफ करने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड वाटर टू पुट ऑफ फायर, इन केस ऑफ एनी फायर, वी नीड वाटर टू पुट ऑफ फायर, अगर कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। सो अभी हमें ये देखा कि जल जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है केवल ह्यूमन बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी वाटर उतना ही महत्वपूर्ण है। एनिमल्स नीड वाटर, एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, जितने जानवर होते हैं उनको भी जल की आवश्यकता होती है। प्लांट्स नीड वाटर, पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, वे बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो जिस तरह से हम लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से पेड़ पौधे और जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो बेटा जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें सेव करना चाहिए। सो आइए नेक्स्ट पॉइंट आपका है बेटा, देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर। Sources of water, जल के क्या क्या स्रोत होते हैं या जल कहाँ से हमें मिलता है इसके बारे में देखेंगे। सो बेटा वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस। जल जो है हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं। सो वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। आप देखते हैं बेटा बारिश होती है, जो बरसात होती है, बरसात वो पानी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। रेन इज द सोर्सेस ऑफ वाटर, रिवर्स नदियाँ, रिवर्स पॉन्ड्स तालाबों से मिलता है बेटा। स्ट्रीम STREAMS स्ट्रीम, बेल एंड हैंड पंप, बेल एंड हैंड पंप्स, हैंड पंप्स। सो अभी मैंने देखा बेटा कि जो जल होता है वो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे बारिश होता है, रेन, रिवर्स नदियों से, पॉन्ड्स तालाबों से, स्ट्रीम्स से मिलता है, बेल कुआं, एंड हैंड पंप मीन्स होता है बेटा नलकूप, वहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। सो
अभी देखिए बेटा, मैंने ये देखा कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। सो अभी देखिए बेटा, मैंने आपको दो टॉपिक के बारे में बताया, द यूज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। तो एक बार फिर से इसके बारे में समझते हैं कि यूज ऑफ वाटर क्या होता है, पानी का उपयोग कैसे करते हैं। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं बेटा, जल का उपयोग। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड, हम अपने भोजन जो पकाते हैं उसके लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है, बिना जल के हम अपना भोजन नहीं पका सकते हैं। वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग, साफ सफाई रखने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, हमें अपने कपड़ों को साफ करने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड वाटर टू पुट ऑफ फायर, आग बुझाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। और वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस, बट अभी हम देखते हैं बेटा कि जिस तरह से जल हमारे लिए उपयोगी है, उसी तरह से एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर, इनको भी जल की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से इन्हें भी जल की आवश्यकता पड़ती है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं ये भी बिना जल के जीवित नहीं रह सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि जल का कितना उपयोग है और कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है। सो बेटा, हमें जल को सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। जहाँ काम हो वहीं पर ही इसका यूज करना चाहिए। लेटेस्ट अगेन सी सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस जो पेड़ पौधे, ये पानी जो होता है जल